भोला बाबा बम भोला बाबा खालो ना भांग के गोला बाबा काहे रुसल बड़ है आँख खोला हो आ मुख से कुछ बोला हो। अरे नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन हर्ट हुआ ब्रेक मैंने नंबर किया चेक राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग बोल रहा कौन हेलो कौन हम बोल रहे कौन हम बोल रहे शिव ही मेरा जीवन शिव ही मेरा सहारा शिव ही मेरी नैया भव से करे किनारा शिव नाम का ही ज्योत सुबह शाम जल रहा है तेरे नाम से ही बाबा तेरे नाम से ही भोले मेरा काम चल रहा है। आप सभी के माध्यम से जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं आपको देखने वाले हैं सुनने वाले हैं उन सभी को पवित्र श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामना। और अभी हम डायरेक्ट देवघर से ही आ रहे हैं, गए थे बाबा का दर्शन करने, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ और वहीं से डायरेक्ट आप सबके बीच में आ रहे हैं। और मौका ये है कि बी फॉर यू हर साल सावन में एक अच्छा कार्यक्रम भक्ति से ओत प्रोत बी फॉर यू चैनल रखता है। उसी सिलसिले में इस साल जो हम लोग का कार्यक्रम है बी फॉर यू का, जिसका नाम है ऐसा वर दो महादेव। अब ये वर कौन सा है, वर दो होते हैं, एक वरदान वाला वर होता है एक वर वाला जो दूल्हे वाला वर है, तो इस पे क्या ये कौन सा वर है, ये हमारे बड़े भैया संदीप भैया हैं, ये आप लोग को बताएंगे कि ये वर कौन सा है। ये वर वो है जिसकी शादी हुई है उसके लिए वरदान है, जिसकी नहीं हुई है उसके लिए वर है। अच्छा, सबके लिए अपने अपने अलग अलग मायने हैं। बिल्कुल, एक ही चीज में दोनों हो गया बेसिकली। ये एक भक्तिमय शो है जो 15 अगस्त को टीवी पे टेलीकास्ट होगा और 6 अगस्त को कल बापू सभागार में होने वाला है। बहुत बड़ा इवेंट, भोजपुरी के सारे कलाकार यहाँ वहाँ पर आने वाले हैं। और ये कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली सावन में एक भक्ति कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से बोलबम होता था उसी तरीके से हमने ये दूसरा एक डिज़ाइन किया है कि सावन में लड़कियाँ लड़के शंकर जी की पूजा करते हैं, महादेव की पूजा करते हैं। जब वो पूजा करते हैं तो उनको उनसे क्या चाहिए, जो कुंवारी लड़कियां होती हैं अच्छे वर की तलाश होती है, जिनकी शादी हो गई होती है कि उनका वर कुशल रहे उसके बारे में उनका व्रत रखती हैं। तो ओवरऑल यही शो है कि ऐसा वर दो महादेव। संजना जी आपसे रहेगा, आप कौन सा वर मांग रहे हैं? फिलहाल आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। और मेरा मतलब 25वीं फिल्म मैंने की है, 25 फिल्म की अब तक, लेकिन ये मेरा पटना में पहली बार इवेंट मैं कर रही हूँ और ऐसा इस टाइप का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ। और आपने पूछा वर की बात, तो फिलहाल तो मैं वरदान वाला वर मांगूंगी, वर वाला पति वाला वर नहीं मांगूंगी क्योंकि मुझे टाइम है अभी वर में। तो बस मैं दर्शकों से यही बोलना चाहूँगी कि कल हम लोग इवेंट कर रहे हैं, बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट पे है, बहुत ही यूनिक है, तो आप सभी इसे देखें। और इस इवेंट में एक से बढ़ के कलाकार आ रहे हैं, रितेश जी हैं, अम्रपाली जी हैं, अंजना जी हैं, बहुत सारे कलाकार हैं। जनरली देखा जाते हैं जो कुंवारी लड़के होती है सोमवारी करती है। जी जी, आप करते हैं? नहीं, मैं सोमवारी नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि 16 सोमवार करने के बाद बहुत अच्छा पति मिलता है, तो अगले साल से सोच रही हूँ मैं भी कि ये मतलब 16 सोमवार करूँ। ऐसा वर दो भगवान बस चाहेंगे सर, घुमा दीजिए। कि शिव ही मेरा जीवन शिव ही मेरा सहारा शिव ही मेरी नैया भव से करे किनारा। कि शिव नाम का ही ज्योत सुबह शाम जल रहा है, शिव नाम का ही ज्योत सुबह शाम जल रहा है, तेरे नाम से ही बाबा तेरे नाम से ही भोले मेरा काम चल रहा है।
तेरे नाम से ही बोले। कल के इवेंट में भैया क्या कुछ खास देखने को मिलेगा और ऐसा क्या कुछ स्पेशल रहेगा? देखिए कल का इवेंट जो है भक्ति से सारा बोर रहेगा, महादेव की भक्ति से। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे यशी फिल्म्स को जो हर साल बी फॉर यू के साथ मिलके ऐसा इवेंट, अभी अभय भैया तो नहीं है लेकिन उनके सुपुत्र हैं यश भाई हम सभी के बीच में। और जहाँ तक मैं एक बात आप सबसे बताना चाहता हूँ, आज की डेट में आप जो आज से 8 साल 10 साल पहले भोजपुरी फिल्मों पे एक मतलब मार्क लगा हुआ था कि भाई घर के लोग नहीं देखते हैं, आज के डेट में सबसे ज़्यादा भोजपुरी फिल्में घर के ही लोग देख रहे हैं, घर की महिलाएं ही देख रही हैं। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान बी फॉर यू का है। हम आपके लिए भैया, आप लोग के लिए ताली बजाना चाह रहे हैं, क्लैप है बी फॉर यू के लिए कि इस तरीके से भोजपुरी सिनेमा जगत को मोड़ के और घर घर तक पहुँचाए, इस तरीके की फिल्में बनाए, इस तरीके का कंटेंट बनाए, आप बधाई के पात्र हैं। और डे बाय डे ऐसे ही हमारा भोजपुरी आगे बढ़ता रहे, यही ईश्वर से कामना है। जैसे भी उनसे आपसे सवाल होगा कि हर बार ऐसा आयोजन आप ही लोग करते हैं, बी फॉर यू नंबर 1 चैनल है, हम नंबर 1 प्रोडक्शन हाउस है, तो दोनों साथ में कुछ बड़ाई करेंगे और हर साल कुछ बेटर ही लाएंगे आपके लिए। रितेश जी साउंड ट्रैक और कोई प्यारा सा सॉन्ग हो जाए। कि भोला बाबा बम भोला बाबा आखा लो ना भांग के गोला बाबा, हे भोला बाबा बम भोला बाबा खा लो ना भांग के गोला बाबा, काहे रुसल बड़ है आँख खोला हो आ मुख से कुछ बोला हो, काहे रुसल बड़ है आँख खोला हो मुख से कुछ बोला हो, अरे भोला बाबा बम भोला बाबा खा लो ना भांग के गोला बाबा। कल आवे के बाद सबका ठीक नू है, हाँ बोली फिल्म का सब्सिडी चालू हो गया है बिहार में, तो कब से आप फिल्म का सब्सिडी? ये तो बहुत अच्छी बात है हम सभी बिहार वासियों के लिए और बिहार के सारे कलाकारों के लिए। हम लोग बहुत जल्दी अब बिहार में शूट करने वाले हैं क्योंकि देखिए एक सरकारी मदद मिलती है प्रोड्यूसर्स को मेकर्स को तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार और झारखंड सरकार बहुत पहले से कदम उठा चुके हैं, बिहार थोड़ा लेट उठाया लेकिन अच्छा है। हेलो कौन भैया, 1 बिलियन होने वाला है, क्या कहिएगा? भोजपुरी का पहला ऐसा शो होगा जो एक ही चैनल पे 1 बिलियन होगा, भोजपुरी का सबसे बड़ा शो। ये तो आप सबका प्यार दुलार है, देवतुल्य जनता का प्यार दुलार है कि भोजपुरी में का पहला गाना ऐसा है जो 1 बिलियन टच करने जा रहा है, तो ये तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते इसकी खुशी और धन्यवाद कैसे करें सबका, यही हमको नहीं समझ में आया। अरे नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन, हर्ट हुआ ब्रेक मैंने नंबर किया चेक राइट, नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग बोल रहा कौन, बोल रहा कौन, हेलो कौन, हम बोल रहे हैं कौन, हम बोल रहे हैं कौन, हम बोल रहे हैं। बॉलीवुड की फिल्म में पवन सिंह ने प्लेबैक किया है जी जी, बॉलीवुड की फिल्म की स्क्रिप्ट की फिल्म के गानों में पवन सिंह ने प्लेबैक किया भाई। अरे भैया को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। क्या भैया है कोई ऐसा क्या आप, मैं समझा नहीं क्या पूछ रहे हैं। भोजपुरी में करोड़ों रुपए के गाने बन रहे हैं और रेवेन्यू जो आ रहा है करोड़ों रुपया आ रहा है, तो क्या लग रहा है कि गाने के मामले में अब पंजाबी इंडस्ट्री को कुछ छूट है भोजपुरी? देखिए मेन बात यह है कि जितने हमारे पास लिसनर्स और व्यूअर्स हैं, भारत पूरे भारत में किसी भी रीजनल इंडस्ट्री के पास इतने लोग नहीं हैं उसको देखने वाले और सुनने वाले। नियर अबाउट 30-32 करोड़ है हमारी पॉपुलेशन जो भोजपुरी सुनते हैं, समझते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं। तो ऑब्वियसली ये जिसका संख्या ज़्यादा है उसका रेवेन्यू ज़्यादा होगा, ज़्यादा देखा जाएगा। पर फिल्में नहीं हो पा रही हैं, फिल्में हो तो रही हैं, ये बहुत बात क्या है कि पहले जितने भी भोजपुरी फिल्में लगती थी वो सिंगल थिएटर्स में लगती थी, अब सारे सिंगल थिएटर्स
कहीं टूट के वो मॉल बन रहा है, कुछ वहाँ पे कुछ और हो रहा है। जैसे जैसे हमारे भोजपुरी से लोग जुड़ रहे हैं, हमारे भोजपुरी का सुनहरा भविष्य आने वाला है। यदि देश पांडे जी बॉलीवुड तक सफर तय करेंगे, ये तो ईश्वर के हाथ में है भैया। हम लोग आज में जीते हैं, ये हमको लगता है कि भोजपुरी हम अच्छे से कर लें वही बहुत अच्छा है। आगे का देखा जाएगा, कौन जानता है।